प्रज्ञा ठाकुर उमा भारती से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची तो भावुक हो गई और उमा से लिपट कर रोने लगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। साध्वी से लिपट कर रोई साध्वी, देर तक भीगी रही पलकें। उमा ने पोछे प्रज्ञा के आंसू, चुनाव में पूरी मदद का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा की मुलाकात हुई तो काफी भावुक माहौल देखने को मिला। इससे पहले उमा भारती ने ट्वीट किया था कि मैं आज भोपाल में आ गई हूँ, साध्वी प्रज्ञा के लिए चुनाव प्रचार में भाग लूंगी, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ और उनके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सुबह उमा भारती के गले लगकर रो पड़ी। वो प्रचार के लिए रवाना होने से पहले उमा के आवास पर उनसे मिलने पहुंची थी। इस दौरान उमा ने प्रज्ञा के पैर छुए, टीका करके खीर खिलाई, आश्वासन दिया कि वो साध्वी के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले दोनों के बीच तनातनी की खबरें सामने आई थी। उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और उनके उन कष्टों के कारण मैं उनको बहुत महान संत मानती हूँ और उनके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ उनके मामले को लेकर के, और मैं भोपाल में उनके चुनाव प्रचार में भाग लूंगी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की भोपाल सीट पर दिलचस्प जंग है। यहाँ बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दोनों साध्वी एक दूसरे से मिलकर भावुक थी, लिपट कर रोई भी। देश में चल रहे चुनाव के बीच भोपाल की सीट हाई प्रोफाइल बन गई है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।